राजस्थान के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक जगदीश मेघवाल की दबंगों द्वारा लाठी डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के लोगों ने मंगलवार को संभाग आयुक्त कार्यालय इंदौर पहुंचकर दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दलित समाज के लोगों ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और संभाग आयुक्त कार्यालय पर संबंधित अधिकारी के सामने अपनी बात रखी। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि 7 जुलाई वर्ष 2021 को राजस्थान के हनुमानगढ़ के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक जगदीश मेघवाल की गांव के करीब एक दर्जन दबंग लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मनोज परमार ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस प्रशासन की नींद खुली तो उन्होंने ताबड़तोड़ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गिरफ्तारी एक नाबालिग आरोपी की करके केस खत्म करने की कोशिश की। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने के साथ ही पीड़ित परिजनों को मुआवजा राशि बतौर 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग को लेकर दलित समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों से जो दलित अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाज में जातीय भेदभाव और वैमनस्यता निरंतर जारी है और इस बात को लेकर जो अत्याचार की सीमा है आज़ादी के 72 साल बाद भी जो है समाप्त नहीं हो रही है। पिछले दिनों 7 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेमपुरा गाँव में यहाँ पर दबंगों के द्वारा एक दलित व्यक्ति हमारे जगदीश मेघवाल की पीट कर हत्या कर दी। लाठी और डंडों से घंटों उसे पीटा गया और मारने के बाद उसके शव को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई किंतु गिरफ्तारी केवल एक की हुई। 10 लोग आज भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि मिले इस मांग को लेकर आज समस्त दलित समाज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में यहाँ माननीय कमिश्नर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए थे और साथ ही हमने झालावाड़ की जो घटना है जो दुर्दांत अपराधी है जो कुख्यात अपराधी झालावाड़ का जुबेर खान है उसकी फांसी की मांग करी है क्योंकि उनने तालिबानी तरीके से हमारी बहन पूजा मेहर की गला रेत कर हत्या की है और उसके खिलाफ हमने यहां पर फांसी की मांग करी है और पूजा मेहर के पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जाए ऐसी मांग हमने माननीय कमिश्नर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय से की है। मनोज परमार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ इंदौर से NK मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।